नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 फरवरी दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीपीएससी आरसीईपी प्रीलिम्स की परीक्षा आज। उत्तर बिहार में बाढ़ को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर मंत्री संजय कुमार झा का बयान। सिपाही भर्ती परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए नई तकनीक का होगा उपयोग। 2024 लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को होगा फायदा। जडेजा को पाया गया दोषी, आईसीसी ने लिया बड़ा एक्शन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीडीएसई ने 570 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर के कुल मिलाकर 570 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 तक है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आधिकारिक साइट careers.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि चयनित उम्मीदवारों को बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, पुणे, तिरुवनंतपुरम, पटना, जम्मू, सिलचर, गुवाहाटी, श्रीनगर और चंडीगढ़ में कॉर्पोरेट कार्यालय में काम करना होगा। बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स की परीक्षा आज। बिहार लोक सेवा आयोग 68वीं प्रीलिम्स की परीक्षा की शुरुआत आज हो गई है, जो कि एक पाली में आयोजित की गई है। हालांकि इस बार परीक्षा के नियमों में कुछ बदलाव भी किया गया है, जिसके तहत अब निगेटिव मार्किंग की भी शुरुआत कर दी गई है। वहीं वैसे अभ्यर्थी जो कदाचार में पकड़े जाते हैं उन्हें 5 साल के लिए परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा के बारे में अफवाह फैलाने वालों को 3 साल के लिए परीक्षा से दूर कर दिया जाएगा। बता दें कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर परीक्षा की व्यवस्था की गई है और साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में भरे गए मूल फोटो पहचान प्रमाण को परीक्षा हॉल में ले जाना होगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर सुबह 11 बजे से पहले प्रवेश करना होगा। आयोग किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने देगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे धीरेंद्र ब्रह्मचारी के बारे में। धीरेंद्र ब्रह्मचारी का जन्म आज ही के दिन बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। यह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग संरक्षक थे। इसके साथ ही इन्होंने दिल्ली, जम्मू, कटरा और मानतलाई में योग आश्रम का संचालन किया और योग विषय से संबंधित विभिन्न पुस्तकें भी लिखी। बता दें कि योग ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से प्रेरित होकर उन्होंने अपना घर 13 साल की उम्र में परित्याग कर दिया था। 1956 में इन्होंने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम पुस्तक का लेखन और 1970 में योग मुद्राओं के सही व्यवहार के बारे में जानकारी और योग के प्रचार प्रसार के लिए प्रकाशन किया। इसके बाद 1960 के दशक में उन्हें सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए सोवियत संघ की यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया था। वह उस समय के हट योग के विशेषज्ञ माने जाते थे। 1970 के दशक में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने दूरदर्शन पर एक साप्ताहिक प्रसारण के माध्यम से लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। मालूम हो कि इनके द्वारा किए गए प्रयास से ही 1981 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों में योग की कक्षाओं के संचालन का प्रारंभ हुआ। इस दिन से चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। होली आने वाली है और ऐसे में सभी लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं इस दौरान यात्रियों के यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा 3 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। पुमड़े के CPRO वीरेंद्र कुमार के द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिन 3 ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है उसमें राजगीर से आनंद विहार, सहरसा से अम्बाला और मुजफ्फरपुर से वलसराड शामिल है। बता दें कि इन तीनों होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन 9 मार्च से शुरू होगा, जो कि 25 मार्च तक चलेगा। इन ट्रेनों के परिचालन से उन सभी लोगों को काफी राहत मिलेगी जो होली के मौके पर अपने घर जाना चाहते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए होगा तकनीक का उपयोग। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती में कदाचार को रोकने के लिए नई तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि इस बारे में बिहार के पूर्व DGP और वर्तमान में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को अब तीनों स्तर पर थंब इम्प्रेशन के साथ साथ फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी तरह के कदाचार को रोका जा सके। आगामी होने वाली परीक्षाओं में रिटर्न फिजिकल के साथ साथ मेडिकल में भी थंब इम्प्रेशन और फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लागू रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले बहाली की प्रक्रिया एक्साइज विभाग में सिपाही के 389 पदों पर होगी। इसके बाद आने वाले समय में पुलिस विभाग में और भी बंपर बहाली की जाएगी।
बेल्जियम के म्यूजियम में लगेगी बिहार की बेटी की 11 पेंटिंग। मुजफ्फरपुर के कंचन प्रकाश की 11 पेंटिंग बेल्जियम के म्यूजियम और सेक्रेड आर्ट गैलरी में लगेगी। बता दें कि म्यूजियम के लिए दशावतार और नरसिंह देव के पेंटिंग को सेलेक्ट किया गया था। कंचन द्वारा इस पेंटिंग को भेजा भी जा चुका है। मार्टिन गार्विच जो की म्यूजियम के निदेशक है, वे पिछले दिनों कंचन से दिल्ली में मिले और उनके द्वारा पेंटिंग मांगी गई थी। साथ ही साथ एक सोलो शो जो की साल 2025 में बेल्जियम के म्यूजियम में आयोजित किया जाना है, उसके लिए भी इन्हें आमंत्रित किया गया है। बेल्जियम के इस म्यूजियम में पहले भी कंचन प्रकाश की 2 पेंटिंग लग चुकी है। वहीं 10 मार्च को इन्हें बज्जी कांचल पेंटिंग के लिए ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी इन्हें अवार्ड देकर सम्मानित भी करेगा। एडीजी मुख्यालय बिहार के 28 जिलों में जल्द ही ट्रैफिक थानों का होगा निर्माण। ट्रैफिक की समस्या बिहार की राजधानी पटना सहित बिहार के बड़े शहरों में भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से इसके निपटारे के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि 15 ट्रैफिक थानों का निर्माण बिहार के 12 जिलों में किया जा चुका है। उम्मीद है कि बाकी के बचे 28 जिलों में भी जल्दी ही थानों का निर्माण हो जाएगा। मालूम हो कि यातायात थानों को बनाने का निर्णय बिहार के सभी जिलों के लिए लिया गया है। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि पुलिस होर्डिंग और साइन पोर्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि हेलमेट को पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए पहने। राज्य में 13 फरवरी से गिर सकता है तापमान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज बदल सकता है। अगले कुछ दिनों तक तेज पछुआ हवा चलने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लिहाजा कई जिले में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से राजधानी समेत अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना है। हालांकि पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सुबह और देर शाम में भी अभी ठंड का असर बना रहेगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। खेल प्रतियोगिता खोज प्रतियोगिता में बिहार की 2 बेटियों ने हाई जंप में किया क्वालिफाई। बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट में देश भर से 599 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें अब तक कई खिलाड़ियों ने अपनी जगह बना ली है। बता दें कि जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया है उनमें जैवलिन थ्रो में अनुप्रिया राय 34.32 मीटर, सविता मुर्मू 33.50 मीटर का क्वालिफाई की। हाई जंप में नगा योजना 1.35 मीटर, आदित्य विनायक 1.35 मीटर। वहीं हाई जंप में बिहार की 2 बेटी रजनी शेखपुरा और श्रेया गुप्ता जो कि सहरसा की रहने वाली है, उन्होंने भी क्वालिफाई की है। डिस्कस थ्रो में सुप्रिया अतर 31.76 मीटर, अनुश्री 31.72 मीटर, मनत ने 29.76 मीटर थ्रो में क्वालिफाई किया। सीएम नीतीश का भागलपुर में गर्मजोशी से हुआ स्वागत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन अपने समाधान यात्रा के दौरान भागलपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत बड़े ही गर्मजोशी के साथ किया गया। इस दौरान नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही भागलपुर में सीएम नीतीश ने शहीद तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत खेल भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम नीतीश ने मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के अंतर्गत 200 आवासन वाले आश्रय गृह अलीगंज के छत के ऊपर बनाए गए रूफटॉप सोलर पावर प्लांट और अतिथि गृह का भी उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की और अपने कुछ करीबी लोगों से भी मुलाकात की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि भागलपुर से मेरा पुराना लगाव है, जब हम जेपी आंदोलन में थे तो यहीं जेल में बंद रहे थे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। हज 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो कि 10 मार्च तक चलेगी। इस बात की घोषणा खुद हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के द्वारा की गई है। हालांकि इस दौरान उन्होंने बिहार के सभी हज यात्रियों से यह भी अपील की है कि वे शुरुआती चरण में 1 या 2 दिन ऑनलाइन आवेदन करने से बचे, क्योंकि इन दिनों तकनीकी दिक्कतें आ सकती है जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बिहार राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष अलहाज अब्दुल हक के द्वारा प्रेस रिलीज कर हज यात्रियों से अपील की गई है कि वे सभी आवेदन करने से पहले गाइडलाइन जरूर पढ़ ले और आवेदन पत्र ऑनलाइन ही जमा करें। सभी हज यात्रियों के फॉर्म बिना लॉटरी निकाले स्वीकृत की जाएगी और उनकी हज यात्रा की पुष्टि की जाएगी। आवेदन करने के लिए हज यात्रियों के पास अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट होना अनिवार्य है।
आईपीएस विकास वैभव ने बताए मूर्ख के 5 लक्षण। इन दिनों आईपीएस विकास वैभव अपने बयान को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं। वहीं एक बार फिर उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मूर्ख के 5 लक्षण के बारे में बताया है। सबसे पहले उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक लिखा है और फिर उन्होंने उसका मतलब भी बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वाश्च पर्वाकेश्वरनाद्रः। अर्थात एक मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं, घमंड, दुष्ट वार्तालाप, क्रोध, जिद्दी तर्क और अन्य लोगों के लिए सम्मान में कमी। जिस पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि जब राज्य का राजा ही अंधा हो तो उम्मीद क्या कर सकते हैं। बता दें कि आईपीएस विकास वैभव के द्वारा सीनियर आईपीएस शोभा अहोतकर पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें गाली देती है। उत्तर बिहार में बाढ़ को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर मंत्री संजय कुमार झा का बयान। उत्तर बिहार में सदियों से बाढ़ की स्थिति को लेकर पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि कोशी विकास प्राधिकरण के गठन के साथ ही समयबद्ध तरीके से संकट के समाधान के उपायों और संसाधनों की पहचान की जाए। वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले को बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा ऐतिहासिक बताया गया है और कहा गया है कि यह एक ऐसा निर्णय है जो हमारी नदियों के प्रवाह मार्ग को बदल देगा और इस संदर्भ में 7 दशक बढ़ती जा रही उदासीनता को हमेशा के लिए ठीक कर देगा। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार के लिए बाढ़ की यह समस्या काफी दशकों से है और इससे यहाँ के लोगों को अब तक काफी नुकसान भी पहुंचा है। सभी ने यह महसूस किया है कि भारत नेपाल सीमा पर एक हाई डैम की आवश्यकता है ताकि बाढ़ से होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। हाईकोर्ट के आदेश से न केवल लोग बल्कि सभी हितधारकों, बिहार सरकार, भारत सरकार, नेपाल सरकार एवं अन्य एजेंसियों के लिए एक ठोस फ्रेमवर्क भी प्रदान किया गया है। इनका यह फैसला उतना ही ऐतिहासिक है जितना 2002 में सुप्रीम कोर्ट का नदियों को आपस में जोड़ने का फैसला था। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण में घूमने वाली एक मुख्य जगह है। बता दें कि इस अभयारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी जो कि 8.74 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां आपको बहुत सारे जंगली जीव देखने को मिल जाते हैं और साथ ही इस अभयारण्य के बीच में आपको एक झील भी देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील में विभिन्न प्रकार की मछलियां देखने को मिलती है। इसके साथ ही इस अभयारण्य में बहुत सारी पक्षी की प्रजातियां भी देखने को मिलती है। यहाँ पर आकर आप अपना बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ पर आपको जंगली जानवर भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको हिरण, चित्तदार हिरण, बंदर और बहुत सारे शाकाहारी जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे। यह पश्चिमी चंपारण में घूमने के लिए एक मुख्य जगह है और आप अपना बहुत अच्छा समय यहाँ पर आकर बिता सकते हैं। स्कूलों की स्वच्छता का मूल्यांकन करेगा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। बिहार के स्कूलों में स्वच्छता का मूल्यांकन करने के लिए CIMP के द्वारा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की टीम का गठन किया गया है जो स्कूल में स्वच्छता से जुड़े हर बिंदु पर जांच कर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके आधार पर ही CIMP के द्वारा स्वच्छ विद्यालय का चयन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार होगा जब बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किसी बाहरी संस्थान से सहयोग लिया जा रहा है। CIMP के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ऐसे 33 स्कूल हैं जिन्हें स्वच्छ विद्यालय के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि इस पुरस्कार की योजना की शुरुआत पिछले वर्ष की गई थी। इस पुरस्कार के लिए इस वर्ष राज्य भर से कुल 59,173 स्कूलों के द्वारा आवेदन किया गया है। पटना के तारामंडल में मिलेगा चांद पर चलने का एहसास। बहुत जल्दी पटना वासियों को पटना तारामंडल में नई नई चीजों का अनुभव करने को मिलने वाला है। बता दें कि अब पटना के तारामंडल में 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जा रहे स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी गैलरी में दर्शकों को तारों की दुनिया से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। दरअसल यात्रियों को तारों से रूबरू 26 प्रदर्शनों के माध्यम से करवाया जाएगा जिसे एक ऐसे सतह की तरह तैयार किया जा रहा है जिस पर चलने से लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे वो चांद व मंगल पर चल रहे हों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस गैलरी का डिजाइन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की टीम के द्वारा किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी गैलरी को दिसंबर के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में इस पार्टी का होगा फायदा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी बीच सी वोटर और इंडिया टुडे के द्वारा एक सर्वे कराया गया है जिसमें यह बात निकलकर सामने आ गई है कि 2024 चुनाव में किसे फायदा मिलने वाला है। बता दें कि सर्वे के अनुसार 2024 में 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में कांग्रेस की नेतृत्व वाली UPA को 2019 की तुलना में 25% अधिक सीटों का लाभ मिल सकता है, यानी कि UPA को 25 सीटें मिल सकती है। इसके साथ ही सर्वे के अनुसार कांग्रेस को अन्य 2 राज्यों में भी फायदा होता दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी UPA सत्ता हासिल करने में काफी पीछे है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा को 2024 में बिहार में नुकसान उठाना पड़ सकता है।
बिहार में कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस ने दिया बड़ा अपडेट। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हां है, तो वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा ना है। ऐसे में अब कांग्रेस के द्वारा भी कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया गया है। बता दें कि बीते दिन पटना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के बाद कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। यह बात उनसे खुद मुख्यमंत्री ने कही है। बता दें कि कांग्रेस के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि विधायकों की संख्या के आधार पर कांग्रेस पार्टी के दो और नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अभी मौजूदा समय में मंत्रिपरिषद में कांग्रेस से अभी सिर्फ दो मंत्री हैं। बीते दिन रांची पहुंचे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। बीते दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज रांची में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए। इस दौरान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि आज होने वाले कार्यकर्ता मिलन समारोह में तेजस्वी यादव झारखंड राजद के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगे और साथ ही बैठक कर इस बात पर चर्चा भी करेंगे कि किस तरह झारखंड में पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरह यहां ज्यादा सीट जीती जा सकती है। वहीं एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन से भी होगी। भाजपा ने नीतीश कुमार के शासन पर लगाया आरोप। बीते दिन भाजपा नेता प्रेम कुमार जहानाबाद के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन काल पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार सुशासन के नाम से जानी जाती है। जनता भी बिहार में सुशासन लाने के लिए महागठबंधन की सरकार को हटाया था, लेकिन नीतीश कुमार ने जनता से वोट लेकर अपराध करने वाली सरकार के गोद में जाकर बैठ गए हैं। 2024 और 2025 के चुनाव के समय नीतीश कुमार को जनता सबक सिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की पलटी मारने को लेकर कहा कि अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा में एंट्री बंद हो चुकी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा कि अगर वे पार्टी में आना चाहेंगे तो पार्टी के बड़े नेता ही इस पर विचार करेंगे। जडेजा को पाया गया दोषी, आईसीसी ने लिया बड़ा एक्शन। नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहले टेस्ट मैच के दौरान आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर जुर्माना लगा है। भारत के दिग्गज ऑलराउंडर को आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जिस वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उन पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया। जडेजा को आईसीसी आचार संहिता के अनुसार लेवल 1 के अपराध का दोषी पाया गया है। दरअसल उन्होंने पहली पारी के दौरान अंपायर की अनुमति के बिना अपनी बाई तर्जनी पर एक क्रीम लगाई और के लिए उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट मिला और मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। रविंद्र जडेजा को खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.20 का उल्लंघन करते पाया गया, जो खेल भावना के विपरीत आचरण प्रदर्शित करने से संबंधित है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। 1922 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। गांधी जी ने 1928 में बारदोली में सत्याग्रह की घोषणा की। 1946 में 14 लोग कलकत्ता दंगों में मारे गए। भारत ने 12 फरवरी 1975 को खुद को चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित किया था। बिहार में 1999 से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2009 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डिलीट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की। वास्को डिगामा भारत की दूसरी यात्रा के लिए 1502 में अपने जहाज से लिस्बन से रवाना हुआ। 1824 में आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधारवादी सन्यासी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। 1967 में भारतीय संगीतकार चित्र वीणा एन रवि किरण का जन्म हुआ। 1972 में भारतीय अमेरिकी अभिनेता अजय नायडू का जन्म हुआ। 1266 में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन शाह का निधन हुआ। 1919 में भारतीय राजनीतिज्ञ नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर का निधन हुआ। वालखंड में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक नकली वेबसाइट nttm.ind.in राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन की आधिकारिक वेबसाइट के रूप में प्रस्तुत हो रही है और विभिन्न पदों के लिए नौकरी प्रदान करने का दावा करती है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वेबसाइट भारत सरकार के संबंध नहीं है। एनटीटीएम पर अधिक जानकारी के लिए nttm.texmin.gov.in पर जाएं। ऐसे पा सकते हैं ट्विटर पर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप भी ट्विटर पर ब्लू टिक लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अगर आपको ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको इसके लिए कुछ राशि का भुगतान करना होगा, जो कि सभी प्लेटफॉर्म पर अलग अलग है। एंड्रॉइड और स्मार्टफोन पर ट्विटर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन की कीमत 900 रुपए प्रति माह है। वहीं वेब
क्लाइंट पर सदस्यता की लागत 650 रुपए प्रति माह या 6800 रुपए प्रति वर्ष है, यानी कि ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन पाने की कीमत इतनी है जितनी आपके 3 महीने के रिचार्ज होती है। ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको कम विज्ञापन, ट्वीट एडिट करने की क्षमता जैसी विशेष सुविधा मिलती है। इसके साथ ही ब्लू मेंबरशिप वाले यूजर को आने वाले फीचर्स का अर्ली एक्सेस भी मिलेगा। जीविका दीदियों ने विक्रम निबंधन कार्यालय में कैंटीन का संचालन किया शुरू। विक्रम में अवर निबंधन कार्यालय में जीविका दीदियों के द्वारा कैंटीन का संचालन शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही यहां आई हेल्प यू काउंटर भी स्थापित किया गया है। यहां रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों को कागजात तैयार करने की सुविधा है। इसके अलावा जन प्रतिलक्ष्य का भी निर्माण करवाया गया है, जिसमें जमीन की रजिस्ट्री कराने आने वालों की बैठने की जगह मिल सके। बता दें कि निबंधन कार्यालय में बनाया गया कैंटीन पूर्णतः वातानुकूलित है। इसमें खाने पीने की सभी सामग्री खुद जीविका दीदी के द्वारा तैयार की जाएगी। यहां एक ACC काउंटर भी तैयार किया गया है, जिसका संचालन कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा किया जा रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है पुष्पेंद्र राय, रणजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, कुश कुमार यादव, निवास कुमार, राजकुमार ठाकुर, अनवर करीम खान, सैलजा कुशवाहा, मुतु डंगीला, मंटू कुमार, अर्जुन राम, शंकर मुखिया, महमूद अंसारी, वेद प्रकाश सिंह, सत्यनारायण सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नागपुर में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन आपको सबसे बेहतरीन लगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।